हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, जिस ब्रह्मांड में हम इतने सालों से रहते आ रहे हैं उसका जन्म कैसे हुआ, जितने भी घटनाएं हुई उनकी शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर आए होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो शुरू करते हैं इस अनंत ब्रह्मांड का अंतहीन रोमांचक सफर। तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं CST और आप देख रहे हैं CST क्रिएशन अमेजिंग फैक्ट। ब्रह्मांड की यह जर्नी शुरू होती है आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। तब ना तो समय का अस्तित्व था और ना ही स्पेस जैसी किसी वस्तु का, और यूनिवर्स में मौजूद संपूर्ण ऊर्जा एटम से भी छोटे एक हाईली कंप्रेस्ड परमाणु के रूप में थी। तभी अचानक अस्तित्व में आता है हमारा यूनिवर्स, जिसका जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ और आज हम इसे कहते हैं द बिग बैंग। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सब कुछ, यानी कि ये ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सीज, निहारिकाएं, डार्क मैटर, प्रकाश, गति, गुरुत्वाकर्षण और यहाँ तक कि खुद समय, ये सब कुछ बिग बैंग महाविस्फोट यानी द सुपर एक्सप्लोजन से पैदा हुआ। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये 93 अरब प्रकाश वर्ष का विस्तार ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, और इससे पहले ना कुछ था और इससे आगे भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स किसी बाहरी विस्तार में नहीं फैल रहा। यूनिवर्स तो स्वयं में ही फैल रहा है, और इस तथ्य को सबसे ज्यादा मान्यता देने वाली थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। सन 1927 में जॉर्ज लेमेंट्रे नाम के बेल्जियम के एक वैज्ञानिक ने फ्रेडमैन लेमेंट्रे रॉबर्टसन वॉल्कर नाम का एक समीकरण बनाया। लेमेंट्रे का यह समीकरण आइंस्टाइन का थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित था। लेमेंट्रे के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से बिंदु यानी परमाणु से हुई है, जो इतना शक्तिशाली था कि इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, जिसमें एक शक्तिशाली महाविस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, जिसके साथ ही यूनिवर्स के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और यूनिवर्स लगातार फैलने लगा। शुरुआत में लेमेंट्रे की इस थ्योरी का मजाक बनाया गया, और लेमेंट्रे की इस थ्योरी का सबसे ज़्यादा खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेड होयल। होयल ने लेमेंट्रे की थ्योरी को बिग बैंग आइडिया कहकर उनका मजाक बनाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से ये साबित होता गया कि लेमेंट्रे की बिग बैंग थ्योरी ही सही है, और धीरे धीरे लेमेंट्रे के विरोधी भी उनके पक्ष में होते गए। सन 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमेंट्रे की बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलाया, और आज के समय में लेमेंट्रे की बिग बैंग थ्योरी को ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड में मौजूद सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के पास थे, इतने पास कि समझ लो सब एक ही जगह पर मौजूद थे। मानो सारा ब्रह्मांड जिसे आज हम देख रहे हैं वो इस छोटे से बिंदु में मौजूद था, और उस वक्त यह बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यधिक गर्म रहा होगा। इसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। यह एक इन्फिनाइट डेंसिटी है, यानी सब कुछ इस एक बिंदु में समाया हुआ होगा। यह वो स्थिति है जहाँ पर भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते। इस अवस्था में स्पेस और टाइम का भी कोई अस्तित्व नहीं था। उस परिस्थिति में एक अज्ञात कारण से एक महाविस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के साथ ही इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया, और इस महाविस्फोट के चलते टाइम और स्पेस अस्तित्व में आ गए। यह महाविस्फोट इतना भयानक था कि हमारा ब्रह्मांड 1.34 सेकंड में ही 10^30 गुना तक फैल चुका था, और हर 20 सेकंड में यह धमाका 2 गुना बड़ा होता गया। इस महाविस्फोट में इतनी एनर्जी निकली कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब बिलियन सालों के बाद भी फैलता जा रहा है, और यूनिवर्स के इस विस्तार के साथ इसमें मौजूद पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे थे। ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से विस्तृत होने लगा, और बिग बैंग के समय ब्रह्मांड का तापमान 10^32 डिग्री सेल्सियस यानी एक के पीछे पूरे 32 शून्य इतने डिग्री सेल्सियस था इस ब्रह्मांड का तापमान। और बिग बैंग के बाद 1 सेकंड से भी कम टाइम को प्लैंक टाइम कहा जाता है,
और इस अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ही तेजी से गिरा और एक माइक्रोसेकंड होते होते 10 अरब तक हो गया था। और इस अवस्था में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ ग्लुआन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे पार्टिकल गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, वैसे वैसे उसका तापमान भी कम होता गया और ब्रह्मांड के तापमान की गिरावट और उसकी ये प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद करीब 3,80,000 सालों तक चलती रही। और इस 3,80,000 सालों के समय को द डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं पर भी रोशनी नहीं थी। इसका कारण था कि हमारा ब्रह्मांड उस समय प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक कोई अणु नहीं बने थे, इसलिए प्रकाश का अस्तित्व नहीं था। और ऐसा लगभग बिग बैंग महाविस्फोट के 3,80,000 सालों तक चलता रहा। और इस डार्क टाइम के अंत तक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। और बिग बैंग के करीब 3,80,000 साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन के बादलों से भर गया और बाद में धूल जैसे दिखने वाले ये कण आपस में जुड़ने लगे और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे थे। और एक बल उन कणों पर काम करने लगा था और ये बल कोई और बल नहीं बल्कि ये था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। हाइड्रोजन के अणुओं के आपस में मिलने से अस्तित्व में आया हीलियम, और हीलियम के अस्तित्व में आते ही बिग बैंग के लगभग 70 मिलियन साल बाद ब्रह्मांड को अपना पहला तारा मिला, जिसे द फर्स्ट जनरेशन स्टार कहा जाता है। ऐसे ही करीब 100 मिलियन सालों में ब्रह्मांड में कई तारे बनते गए और हमारा ब्रह्मांड चमकीला होता गया और डार्क टाइम खत्म होता गया। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए, जिससे करोड़ों अरबों तारों का फॉर्मेशन हुआ और इन तारों के ग्रह बनने लगे। अब ये तारे ग्रुप में रहने लगे थे। करीब 500 मिलियन सालों के बाद अस्तित्व में आई पहली गैलेक्सी और करीब 1 अरब सालों तक हमारे ब्रह्मांड में कई लाखों करोड़ों गैलेक्सीज अस्तित्व में आ चुकी थी। और 600 मिलियन साल बाद ही, यानी आज से करीब 13.2 अरब साल पहले निर्माण हुआ हमारी आकाशगंगा का। ऐसे ही करीब 8 अरब सालों तक इस ब्रह्मांड में प्रलय और निर्माण का सिलसिला लगातार चलता रहा। और आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक निहारिका के ढह जाने से हमारे सूर्य और सौर मंडल का निर्माण हुआ। लेकिन जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो हमारी पृथ्वी आज की तरह जीवन के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं थी। पृथ्वी उस समय ज्वालामुखी के लावे से धधकती आग के गोले की तरह थी और उस समय पृथ्वी अपनी ही धुरी पर बहुत तेजी से घूम रही थी। और तब दिन केवल 8 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और धरती पर मौजूद मिनरल्स ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का निर्माण किया और उस पानी से धरती पर बारिश होने लगी। लाखों सालों तक लगातार गिरती हुई बारिश से पृथ्वी पर समुद्र और महासागर बने और आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले महासागरों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने लगी और समय के चलते लाइफ में इवोल्यूशन हुआ और आज का रूप लिया। और आज हमारा ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है। इतने सालों से हमारा ब्रह्मांड अविरत रूप से बढ़ता जा रहा है और वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक ब्रह्मांड में आज 200 मिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। और आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड को जितना ऑब्जर्व किया है उसे दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड दो तरह का है, दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और अननोन यूनिवर्स। ऐसे में यह सवाल उठता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका फैलाव कितना है, दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।